गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। तो चलिए आज हम राइटिंग स्किल पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रामर बुक में क्या क्या आने वाला है, एग्जाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये मार्क करवा दिया है। तो आज मैं आपको राइटिंग स्किल में अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें पत्र कैसे लिखा जाता है और अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, फिर भी आज जो है मैं आपको संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। साथ में जो है आपको एक सपोर्टिंग वीडियो भेज रही हूँ, उसमें भी बताया गया है कि हमें अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए, पत्र कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ये जो पत्र लेखन है और अनुच्छेद लेखन है, ये ना केवल हम इस एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी ये सब आएगा। तो हमें इनके रूल्स पता होने चाहिए कि हमें लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको जो मैंने मार्क करवाया था, वो करवाया था आपको बाल दिवस। बच्चों, यहाँ पर बाल दिवस है, कितने से कहाँ तक लिखना है वो मैंने आपको मार्क करवा दिया है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का ही आएगा, तो 5 से 6 वाक्य सफिशियंट है। और जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप दूसरा भी कोई लिख सकते हो जिसमें आपको सुविधा रहे याद करने की भी और लिखने की भी। और इनमें बातों को ध्यान रखना है कि जब हमें कोई अनुच्छेद लिखने दिया जाता है तो बाल दिवस होता क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद लिखना शुरू करना है कि बाल दिवस होता कैसे है और उसको मनाते क्यों हैं और कैसे मनाते हैं। हमारे 3 बातें ही जहन में रखनी होती हैं, ऐसे कोई दिन मनाए जाते हैं तो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। उसके बाद है आपका पत्र लेखन। तो पत्र लेखन बच्चों, मैंने आपको मार्क करवाया था, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। अब देखिए बच्चों, जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहले जो आपके जहन में जो आपके बात सामने आनी चाहिए, आपके दिल में ये आना चाहिए कि ये जो है स्वास्थ्य अधिकारी जो है, ये हमारे मोहल्ले में हमें सफाई करवानी है, तब हम किसी नॉर्मल इंसान को नहीं बोल सकते, हमें ऐसे इंसान को बोलना पड़ेगा जो वहाँ की सफाई करवा सकता है और वो स्वास्थ्य अधिकारी ही करवा सकता है। तो हमें उसे लेटर लिखना है। तो आपको एग्जाम में एड्रेस दिया होगा, आपको केवल नीचे जो है वो श्रीमान से लेके जो नीचे जी लाइन है मैंने मार्किंग करवाई थी वो ही लिखनी है, और अंत में धन्यवाद सहित भव दिया ये भी आपको लिखना है। और इसके बदले में अगर ये लेटर का जो वाक्य लिखे हैं, इसके बदले में अगर आपको कोई दूसरे वाक्य आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तीसरा है कि ये भी आपको एग्जाम में जो है वो 3 मार्क्स का ही आएगा। और बच्चों, आपको नोटबुक करेक्शन के लिए देनी होगी। मैं आपको मैंने जो भेजा है कि कब देनी है, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे आपकी क्लास होती है, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे आपको PDF अपनी नोटबुक का और टेस्ट बुक की एक्सरसाइज का PDF बनाना है, और वो मैं आपको जो व्हाट्सएप नंबर भेजा है उसी में ही भेजना है। और दूसरा, जब आप PDF बनाओगे तो केवल, अब हमने 2 ही लेसन भेजना है, उसमें एक है लेसन नंबर 4 सोच अपनी और दूसरा है वजीफा किसको। तो बच्चों, इन 2 लेसन की जो एक्सरसाइज है उसका PDF और नोटबुक में ये 2 लेसन के बारे में जो भी लिखा है, प्लस राइटिंग स्किल जो भी लिखी है, जो भी मैंने मार्क करवाया है ग्रामर राइटिंग स्किल, वो सब होना चाहिए। इसलिए ये जो आपको दिया है ये 1 वीक का है, आपसे 1 वीक के बाद नोटबुक ली जा रही है, इसलिए पूरी नोटबुक कंप्लीट करके भेजें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी जूम लेने के लिए, आप अपनी जो डाउट्स हैं उनको लिख के रखें और उसमें फिर उस क्लास में आप क्लियर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।